सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कर्म कई प्रकार के, एक होता शुभ कर्म। शुभ कर्म किसी गरीब की सेवा कर दी, माता पिता की सेवा की, घर परिवार का लालन पालन पोषण किया, दिन दुखी के काम आए, ये सब शुभ कर्म है। लेकिन ये सत्य कर्म नहीं है। सत्य कर्म उसको कहते हैं जिसका फल अक्षय हो, जो कभी मिटे ना। नास तो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सता। जिसका कभी अभाव ना हो उसको सत्य कहा गया है। जैसे हमने किसी गरीब का मकान बना दिया, कुटिया बना दी, ये सत्य कर्म नहीं है। जो कर्म विनष्ट हो जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, फल भोगने के बाद जिस कर्म की समाप्ति हो जाए, उसको सत्य कर्म नहीं कहते। अब हो गया क्या, हमने किसी गरीब की कुटिया बनाई, अगले जन्म में हमको कोठी मिल जाएगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ समय तक स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सत्य कर्म था ही नहीं, तो शुभ कर्म था। और जब हम कर्म का फल भोग लेते हैं तो कर्म समाप्त हो जाता है। तो जो कर्म फल भोग दे करके मिट जाए उसको सत नहीं कहते, क्योंकि सत कभी मिट नहीं सकता। सत का तो अक्षय फल होता है। इसलिए अभावग्रस्त की सेवा करना शुभ कर्म हो सकता है, लेकिन सत कर्म नहीं हो सकता। सत कर्म वो है कि जिसका फल अनंत काल के लिए भोगते रहो, तब भी सत कर्म समाप्त ना हो, तब भी वो रहे मिटे ना। वो सत्कर्म क्या है? वो है भागवत कथा। एक तू सत, एक तेरा नाम सत, तेरी कथा सत, और वो जो तुम्हारे हो गए वो भी सत। राम नाम सत्य है, अब इसको कोई मिटा के दिखा दे। भगवान सत्य है, वो सत्य नारायण है, वो सदा रहेंगे। जब प्रलय आ जाएगी तब भी नारायण रहेंगे। आत्मा भी सत्य है। जो जीव प्रभु प्राप्ति कर गए, सदा के लिए प्रभु के निज परिकर बन गए, वो भी सत्य हैं। इसलिए उस सृष्टि का एक नाम सत्य सृष्टि है, उस लोक का एक नाम सत्य लोक है, जहां पर सब सत्य है, जहां पर कभी कुछ भी मिटने वाला नहीं है, सदा रहने वाला है। और संसार में आज तक ये देखा है, पाने वाला खोता है, और जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। मिटने वाली दुनिया का ऐतबार करता है, क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता है। यहाँ सब विनाशी है, सब कुछ मिटने वाला, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, सब परिवर्तनशील, सब मिटने वाली। इसलिए इस दुनिया का एक नाम असत्य है, इस दुनिया का एक नाम अभाव है, और भगवान की दुनिया का एक नाम सत्य है, सत्य सृष्टि, सत्य लोक। कई जगह उसको सत्य खंड कहते हैं। खंड का मतलब भाग, सत का मतलब सत। अपनी भाषा में कुछ भी कहो, है वो सत, वो सत्य नारायण है, उनका नाम भी सत्य है। यदि आप भी उस सत पथ पे चलना चाहते हो और सत पथ पे चल करके सत्य लोक की, अर्थात प्रभु के धाम की, परम धाम की प्राप्ति चाहते हो, तो सत्य का आश्रय लो, और सत्य है प्रभु का नाम, राम नाम सत्य है। यहां भागवत के महात्म्य में भक्ति दो प्रश्न करती है देव ऋषि नारद जी से। भक्ति ने पहला प्रश्न किया कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों छोड़ दिया, जब मारने के लिए कलयुग को हथियार उठा लिए थे, और कलयुग घबरा गया, क्योंकि कलयुग राजा परीक्षित की धर्म की पावर को जानता था। धर्म की पावर जिसके पास है, वहां अधर्म रूपी कलयुग अपना काम नहीं कर पाता। तो परीक्षित चाहते तो मार सकते थे कलयुग को। इस कलयुग ने मुझको इतना सताया, इस कलयुग के कारण से मेरे पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, इस कलयुग को काहे को छोड़ दिया, क्यों नहीं मार दिया राजा परीक्षित ने। और दूसरा प्रश्न किया कि जो अत्याचार हो रहे हैं इस समाज में, इस कलयुग का जो ये तांडव मैं देख रही हूं, और देवऋषि आप भी देख रहे हैं समाज में, ये कलयुग का तांडव जो देख रहे हैं, ये भगवान से कैसे देखा जा रहा है। जीव तो लाचार है, देखना उसकी लाचारी है, क्योंकि उसके पास समर्थ नहीं, लेकिन भगवान तो अनंत अनंत समर्थ रखने वाले हैं। और तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, उनसे ये कैसे देखा जा रहा है कलयुग का तांडव।
कैसे एक दूसरे को लोग सता रहे हैं, एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, घर घर में क्लेश, सब लोग दुखी हैं, सब पाप परायण हो चुके हैं। जब ये सृष्टि भगवान की है तो भगवान अपनी सृष्टि को क्यों नहीं संभाल रहे हैं, क्यों नहीं यहां व्यवस्था कर देते? और ये प्रश्न केवल भक्ति का नहीं, आप सबका है। निर्दोषों को सताया जा रहा है, आतंकवाद पनप रहा है, धरती रहने लायक नहीं रही, घर घर में आतंक छाया हुआ है। आपस में पारिवारिक जन एक दूसरे से झगड़ा, ईर्षा द्वेष, रिश्तेदारों में देखो तो एक दूसरे से ईर्षा, कोई किसी के सुख को देख करके प्रसन्न नहीं होता, ईर्षा करने लग जाते हैं। आज समाज एक दूसरे का दुश्मन बना है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का दुश्मन बना है। धर्म के नाम पर प्राण को प्राणों की रक्षा हुआ करती थी किसी जमाने में, और आज धर्म के नाम पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्राणों का प्यासा हो रहा है। कभी धर्म की राह पे चलने वाले माला को तस्वीर को उठाते थे, और आज कलयुग में धर्म की राह पर चलने के लिए व्यक्ति माला नहीं उठाता, गन मशीन उठाता है, राइफल उठाता है। ये क्या कलयुग का तांडव चल रहा है।